आजकल हर कोई ब्रोकली को अपने खाने में शामिल करना चाहता है क्योंकि ब्रोकली है विटामिन से भरपूर, लेकिन हमें समझ नहीं आता हम किस तरीके से इसको यूज़ करें। तो आइए, बहुत ही आसान प्रोसेस जो कि टेस्टी भी होगा, हेल्दी भी होगा, आइए हम बनाते हैं ब्रोकली की बहुत ही डिलीशियस सब्जी, या फिर उसको स्नैक्स कहिए या फिर उसको कैसे भी खाइए, बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसको अगर बनाकर ज़रूर देखिएगा। तो एक फ्राई पैन लेंगे, इसमें थोड़ा सा बटर डालेंगे, हल्का सा ऑयल डालेंगे जिससे कि जले ना, कुछ ड्रॉप्स हमने ऑयल की डाल दी, और जैसे ये मेल्ट हो जाए हल्का सा बटर, तो इसमें डाल देंगे कुछ दो तीन कलियाँ लहसुन की और हरी मिर्च बारीक कटी हुई, इसको हल्का सा सौते करेंगे, और इसमें हम डाल देंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज। सिर्फ 5 मिनट की रेसिपी है, बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाएगी। आप इसको सैलेड के रूप में भी खा सकते हैं, आप इसको सब्जी के रूप में भी, एक ब्रोकली का ऑप्शन अच्छा हो जाएगा, आप इसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कर सकते हैं, बहुत ही हेल्दी रहती है ये, विटामिन से भरपूर होती है। तो प्याज को क्रंच बना रहे इसलिए इसको हल्का सा भुनेंगे, और इसमें जब भी हम डाल देंगे ब्रोकली कटी हुई, तो हमने एक फुल ब्रोकली का ले लिया था, उसको हमने फ्लोर्स में कट कर लिया अलग अलग लंबा लंबा डंठल के साथ, और इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, और 2 से 3 मिनट बाद जब ये थोड़ा सा क्रिस्पी सा होने लग जाएगा, और हाई फ्लेम पे हम इसको भून रहे हैं, इस पर और क्रिस्पी बन लाने के लिए हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर, 1 चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर लिया है, और इसको थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसका हल्का सा घोल बनाएंगे, पतला सा घोल बनाने के बाद हम इसको ब्रोकली के ऊपर डाल देंगे, इससे क्या होगा एक इसमें क्रंच आएगा, इसके ऊपर ये लुपट जाएगा, और ये और करारी ब्रोकली हमारी सीख के तैयार हो जाएगी। इसको लगातार चलाते जाएंगे, एकदम से पानी सोख लेगा अरारोट का पाउडर है जो ये, और एकदम से ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी हमारी ब्रोकली तैयार होगी। अब इसको भुनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, बढ़िया से इस पर एक अच्छी सी कोटिंग सी आ गई है, और इस पर डालेंगे हल्का सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसको हम गार्निश करेंगे ऑरिगेनो और चिल्ली फ्लेक्स, इसमें यही मसाले डालने हैं, और आप चाहें तो थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं। इसको हमने इटालियन फ्लेवर दिया है, तो इसलिए हमने ऑरिगेनो सीजनिंग डाली है और हमने चिल्ली फ्लेक्स डाले हैं, और ये बस हमारी बढ़िया सी ब्रोकली की सब्जी कह लीजिए, बहुत बढ़िया से स्नैक हमारा ब्रोकली का तैयार हो चुका है। अब आप इसको झटपट ऐसे भी खा सकते हैं, रोटी के संग भी खा सकते हैं, या फिर आप राइस के संग भी इसको खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगी, बस बहुत यम बनी। इसको हल्का सा इसमें क्रंच रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा हमें इसको पकाना नहीं होता, थोड़ा सा टाइट रहता है। तो ये लो हमारी कितनी डिलीशियस ब्रोकली की सब्जी तैयार है। तो फ्रेंड्स आप भी इसको बनाइए, अगर असल रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसको आगे से आगे ज़रूर शेयर करना। ऐसी नई नई वीडियोज़ देखने के लिए मीनू किचन को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।